अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको रॉटवाइलर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, रॉटवाइलर मीडियम टू लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है। ये इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है और इनके पॉपुलर होने के बहुत से अलग अलग रीजंस भी है, लेकिन इतना मशहूर होने के बावजूद भी रॉटवाइलर बहुत ही कम लोगों के पास आपको एज अ पेट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम रॉटवाइलर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो ज्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं पता। रोमन्स लोग जब जर्मनी में बसने आए तब वो रॉटवाइलर का यूज करते थे। वो रॉटवाइलर को गाय और भेड़ जैसे जानवरों को चराने के लिए और फार्मर और बुचर्स के मीट और सामान से भरे हुए कार्ट खींचने के लिए यूज करते थे। बहुत से ब्रीड हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि रॉटवाइलर एक रोमन मैस्टिफ टाइप डॉग से आया है जिसे रोमन मोलोसस नाम से जाना जाता था। रॉटवाइलर का नाम जर्मनी के एक छोटे से टाउन रॉटवाइल के ऊपर रखा गया है। जब रोमन्स लोग जर्मनी में बसे थे तब वो रॉटवाइल नाम के एक टाउन में अपने सारे रॉटवाइलर डॉग को रख के काम के लिए निकल जाया करते थे और कुछ टाइम बाद इस टाउन का नाम उन डॉग्स के साथ लिया जाने लगा और तब से इनका नाम रॉटवाइलर पड़ गया। एक टाइम था जब रॉटवाइलर की ब्रीड एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गई थी, यानी उनकी ब्रीड जस्ट खत्म होने वाली थी, क्योंकि रॉटवाइलर को सामान से भरे हुए कार्ट खींचने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन फिर जब उसके बाद रेलवे आ गए तो लोगों का काम आसान हो गया और रॉटवाइलर की डिमांड खत्म हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद रॉटवाइलर को पुलिस में जगह मिल गई और उन्हें वो काम सूट कर गया। उसके बाद से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद रॉटवाइलर ब्रीड के चर्चे होने लगे और इनकी डिमांड बढ़ने लगी। उसके बाद से ही रॉटवाइलर की डॉग ब्रीड बहुत ही पॉपुलर हो गई और इन्हें एक्सीलेंट ओबीडियंस डॉग भी बोला जाने लगा। मिड 1990s में रॉटवाइलर की पॉपुलैरिटी एकदम पीक पर थी। उस टाइम अमेरिकन कैनल क्लब ने 1,00,000 से भी ज्यादा रॉटवाइलर रजिस्टर किए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम रॉटवाइलर की ब्रीड कितनी पॉपुलर थी। रॉटवाइलर की इतनी पॉपुलैरिटी देख के ब्रीडर्स में भी लालच आ गया और वो रॉटवाइलर की डॉग ब्रीड को दूसरे डॉग्स के साथ भी मिक्स करने लगे। रॉटवाइलर दो टाइप्स के होते हैं, अमेरिकन रॉटवाइलर और जर्मन रॉटवाइलर। जर्मन रॉटवाइलर अमेरिकन रॉटवाइलर के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं सिर्फ कुछ सेंटीमीटर, और जर्मन रॉटवाइलर की पूंछ कटी हुई नहीं होती, यानी वो डॉग नहीं होती। और वहीं अमेरिका में एकेसी डॉग टेल रॉटवाइलर्स को ही रजिस्टर करते हैं। रॉटवाइलर बहुत ही एग्रेसिव डॉग ब्रीड है, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि रॉटवाइलर की एग्रेसिवनेस पूरी हम पे डिपेंड करती है। अगर हम रॉटवाइलर को अच्छे से सोशलाइज करेंगे और उसे अच्छे से ट्रेनिंग देंगे तो वो एग्रेसिव डॉग्स कभी नहीं बनेंगे। तो अगर आपके पास रॉटवाइलर है तो प्लीज उसे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से सोशलाइज करिए, उसे दूसरे लोगों से मिलवाइए, डॉग से मिलवाइए, अलग अलग पार्क्स में घुमाने लेकर जाइए, अलग अलग जगह दिखाइए। रॉटवाइलर जब छोटे होते हैं तभी उन्हें इन सबके साथ सोशलाइज करना अच्छा होता है। रॉटवाइलर बहुत सी कंट्रीज में बैन भी है, जैसे स्पेन, इटली, रोमेनिया, इजराइल, पोर्तुगल और फ्रांस। इन कंट्रीज में लोग रॉटवाइलर को अपने साथ घर में एज अ पेट नहीं रख सकते। रॉटवाइलर का बाइट फोर्स 328 पाउंड्स तक होता है। अगर ये किसी को एक बार पकड़ ले तो समझ लीजिए उसका छूट पाना लगभग नामुमकिन है। मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की रैंकिंग में रॉटवाइलर नंबर 10 पर है। इसी वजह से इन्हें बहुत ही इजीली और बहुत से अलग अलग कामों के लिए ट्रेन किया जा सकता है। रॉटवाइलर बस एक ही कोट कलर में पाया जाता है, वो है ब्लैक। इनके आईज के ऊपर जो दो डॉट्स होते हैं और चेस्ट के पास और पैरों के पास और जॉस के नीचे का शेड टैन कलर का या फिर महोगनी कलर का हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड रॉटवाइलर के 10 फैक्ट्स के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।